देखिए, आज जो हम बुक करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, बुक टू। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एन इंट्रोडक्शन। मोस्टली इन बुक्स और इन चैप्टर्स पे फोकस नहीं किया जाता, बट एक्चुअल में अगर आप लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इवेलुएट करेंगे तो ट्रेंड टोटली चेंज है, और अब यही चैप्टर और यही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में लगती हैं थोड़ी स्टोरी जैसी, बट अल्टीमेट कंसेप्ट इन्हीं से डेवलप होता है, और इसलिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसा क्यों है और ये क्यों होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स क्या होती है। द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ चीजें इस वे में रोज होती हैं जो हमें नहीं पता हम कर रहे हैं, बट वो पॉलिटिक्स है। जैसे अगर कोई पर्सन किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करना चाहता है कोई भी तरीका अपना करके, तो आप कहते हैं कि एक डर्टी पॉलिटिक्स है, और अल्टीमेटली आपके मुंह से ये लाइन आती है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। आप अक्सर ये लाइन यूज करते हैं, जबकि आप ये कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स नहीं करते। मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ये कहना भी एक पॉलिटिक्स है। सेकेंड आस्पेक्ट, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं कंट्री लेवल पर, कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बेनिफिट डिराइव करती हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं। तो उस सेंस में भी हम ये कहते हैं हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड आस्पेक्ट, अक्सर आप देखते हैं कुछ लोग मैनिपुलेशंस करते हैं, करप्शंस करते हैं, और कोइंसिडेंटली वो इंपॉर्टेंट की पोजीशंस पर बैठे हुए लोग हैं, तो अक्सर आप कह देते हैं कि ये राजनीति तो है ही सारी करप्शन, ये पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस। अब कहते हैं ना कि वो बहुत राजनीतिक चालें चलता है रिलेशंस के अंदर, ये बड़ा चाणक्य नीतियां अपनाता है, इस तरह के शब्द अक्सर सुने जाते हैं। बट कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, क्या हर रोज आप पॉलिटिक्स से बच सकते हैं? पॉलिटिक्स से बच पाना मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या पॉलिटिक्स एक इतना नेगेटिव आस्पेक्ट है कि इससे दूर रहना या इससे खुद का बचाव कर लेना ही इसका एक सोल्यूशन है, या पॉलिटिक्स एक इतना स्ट्रांग आस्पेक्ट है कि अगर आप इसमें इंडल्ज हो जाएं तो आप किस लेवल पर सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, खुद के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना सकते हैं? व्हाई? इसके लिए आपको ह्यूमन बीइंग को समझना होगा। देखिए, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज हैं जिसको आप बाकी चीजों से रिलेट नहीं कर सकते। सबसे पहला आस्पेक्ट, ह्यूमन कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है उसके पीछे ह्यूमन के पास एक रीजनिंग होती है, एक लॉजिक होता है, और ये रीजनिंग और लॉजिक ह्यूमन को सबसे डिफरेंट बनाते हैं। सेकंड आस्पेक्ट, ह्यूमन के सामने कोई भी एक्टिविटी हुई है वो उस एक्टिविटी का एनालिसिस कर सकता है, उसको डीप थॉट दे सकता है, और एनालिसिस के बाद ये इवेल्युएट कर सकता है कि इसके रिजल्ट्स इससे अलग भी हो सकते थे। ह्यूमन फ्यूचर प्लानिंग्स करता है जो अदर कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जब एक ह्यूमन बीइंग करता है तो इसके दौरान उसके कई सारी चीजों के साथ रिलेशंस डेवलप होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो फिजिकल हैं, जो स्टैटिक आइटम्स हैं, जैसे झील, झरने, नदियां, पहाड़, सॉइल, लैंड, कुछ ऐसी चीजें जो बायोटिक हैं, लिविंग बीइंग हैं, और खुद ह्यूमन एक लिविंग बीइंग है, तो ह्यूमन की इन सारी प्लानिंग्स, इन सारी डेवलपमेंट फॉर्मुलेशंस में उसके को बीइंग्स, को ह्यूमन बीइंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सबका सोचने का तरीका अपना है, सबके रैशनल्स, सबके लॉजिक्स, रीजनिंग्स डिफर करते हैं। इसकी वजह से इस बात में डिफरेंस आ जाता है कि क्या सबके लिए बेहतर है और क्या खुद के लिए ही बेहतर है। जब इतने डिफरेंट आइडियोलॉजिकल सेटअप्स होंगे,
जब सबका सोचने का प्रोसेस अलग होगा, ऐसे में इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स में से क्या ये पॉसिबल है कि आप खुद के लिए कोई बेनिफिट डिराइव कर पाएं? क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है? आप जब भी खुद के लिए सोच के कुछ करेंगे उससे बहुतों का नुकसान हो जाएगा। कौन सी चीज आपको रोक देती है कि सिर्फ इतने तक ही करना है, इससे मेरा बेनिफिट है, इसके बाद फिर दूसरों का नुकसान है? कौन सी चीज आपको मजबूर करती है ये सोचने पर कि सिर्फ दूसरों का करते रहेंगे तो खुद स्टेबल नहीं रह पाएंगे? अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग के ये सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं। फैमिली है, उसकी अपनी ट्राइब है, उसका ग्रुप है, उसकी सोसाइटी है, बहुत सारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग को उसकी डेली रूटीन, उसके पास्ट, उसके फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को सेटल करने में हेल्प करती हैं। दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिटल मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, योर ट्राइब, योर ट्राइबल, योर क्लैन, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस। ये आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं दैट हाउ टू एग्जिस्ट, हाउ टू ग्रो, हाउ टू सस्टेन एंड हाउ नॉट टू हार्म अदर व्हेन यू आर ग्रोइंग विद योरसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि इन सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ये सारी चीजें डिसाइड करने में मदद करती है, दैट इज गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। कैसे? आपने जब ये सभी एक्टिविटीज की कि मुझे किस लेवल पर अपने फेलोज के साथ रहना है, कैसे मुझे इस ह्यूमन सोसाइटी में इस मैनर में कोएग्जिस्ट करना है कि मेरी एग्जिस्टेंस भी बनी रहे और उनकी भी एग्जिस्टेंस बनी रहे जिन पर मैं डिपेंड करता हूं। हम कुछ उन पे ओ करते हैं, वो कुछ हम पे ओ करते हैं, और हम दोनों मिलके किसी और को भी कुछ ओ करते हैं। ये कैसे? तो मतलब इस तरह से रहना है तो ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है जैसे कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर रखा है। ये ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी, अदरवाइज यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। बिकॉज यू आर हैविंग क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको डिसाइड करना है क्या कम्युनिकेट करना है और क्या कम्युनिकेट नहीं करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो कम्युनिकेट करता है वही कम्युनिटी बनाता है, और कम्युनिटी से ही सिस्टम्स डेवलप होते हैं कि कौन सी रेगुलेशंस रेगुलेट करेंगी कम्युनिकेशन को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस समय किस तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ये सब आपको समाज से, परिवार से, इन संस्थाओं से सीखने को मिलता है। लेकिन उसी समाज में रहते हुए कोई नियमों को पालन कर रहा है, कोई नियमों को पालन नहीं कर रहा। मतलब कुल मिलाकर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो एग्जिस्ट करते हैं, और एक हेल्दी सोसाइटी को बेटर प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसी बॉडीज को जन्म देना पड़ता है जो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट भी करें, उन्हें एनफोर्स भी करें और एग्जीक्यूट भी करें। उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, गवर्नमेंट से हमें क्या लेना देना? पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट ये उनकी खेल है जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमएलएस हैं, पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट वो हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से उसका लेना देना है जो टीचर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से उसका लेना देना है जो सोशल एक्टिविस्ट है जिसे सरकार की नीतियों को प्रभावित करना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस करके, मूवमेंट्स, पॉपुलर मूवमेंट्स, एसोसिएशंस बना के। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से उसका लेना देना है अल्टीमेटली जो जर्नलिस्ट है, जो राइटर है। मेरा क्या लेना देना है? मैं आई एम अ ले मैन ऑफ द कंट्री, मैं क्यों पढ़ूं ये पॉलिटिकल साइंस? लाइफ में आप इन्हीं में से कुछ बनने वाले होते हो आगे जाकर के। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं आप एक्चुअल में लाइफ में उसी को परस्यू करेंगे, बट आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसे बेटर वे में मैनेज करना और उससे अपने लिए, सोसाइटी के लिए मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करना है, आपको उस प्रोसेस को समझना ही होगा जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है, क्योंकि वो सराउंड प्रोसेस आपको इन्फ्लुएंस करता है एवरी डे। आज का अखबार निकालें,
कल का, लाइफ का, कोई भी अखबार निकालें। जैसे अगर कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी अच्छी बनेगी तो अल्टीमेट आस्पेक्ट इसकी एजुकेशन बढ़ेगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, कॉलेज पहुंचेंगे, टेक्निकल नॉलेज गेन करेंगे, उनकी प्लेसमेंट्स होंगी, उन्हें जॉब्स मिलेंगी और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका सर्वाइवल बढ़ेगा। आपकी पूरी लाइफ एक पॉलिसी के इर्द गिर्द घूम रही है, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिसी होती कि सारे जूलॉजी पढ़ेंगे, आपका क्या होता? नॉट एट ऑल। सेकेंड आस्पेक्ट, आप एक समाज में रहते हैं और आपको कभी डर नहीं होता इस बात का कि मैं इतना पेन गेन करके, इतना हार्डवर्क करके अपने रिसोर्सेज एकुमुलेट करूं, घर बनाऊं, प्रॉपर्टीज, सोसाइटी को एनरिच करूं। क्यों? आपको ये डर नहीं है कि कभी भी कोई भी आके इसे छीन सकता है, बिकॉज योर लाइफ इज सिक्योर। इसके लिए क्या है? रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, ये किसने बनाए? गवर्नमेंट। एक प्रोटेक्शन है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड आस्पेक्ट, आप एक समाज में रह रहे हैं, आप किस तरह की वस्तुएं खाएंगे, किस तरह की वस्तुएं नहीं खाएंगे। आज आप मुझे एक बात बताइए, आप इम्पोर्टेड आर्टिकल्स खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आप 1 सेकंड में जाकर के बाजार से उठा लेते हैं, रेडी से। आपको कभी डर लगता है उसे खाने से पहले कि पता नहीं विदेश से आया है या कहाँ से आया है, इसमें जहर ही ना हो? वाई? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि कंटेमिनेटेड और एडल्ट्रेड फूड मार्केट में नहीं आना चाहिए, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इसी फेथ पर आप उस फ्रूट को खाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अभी मैं यहाँ से गवर्नमेंट निकाल लूँ, जैसे इंटॉक्सिकेंट्स और नारकोटिक्स की फील्ड में, तो कितने लोग इंजेक्शंस लगा करके मरे पड़े होते हैं। आपकी एवरीडे एक्टिविटी, कब आप फ्यूल, कब आप कौन सी गाड़ियां खरीदेंगे? गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, गाड़ी महंगी हो गई, आपने गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, गाड़ियां सस्ती हो गई, आपने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। पेट्रोल के प्राइसेस डीजल के प्राइसेस से ज़्यादा हो गए, आपने डीजल गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। डीजल पेट्रोल के प्राइसेस डीजल से कम हो जाएंगे, आप पेट्रोल गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दो। ये सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है एवरीथिंग, और आपकी सुबह से लेकर रात तक की सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट के हाथों। गवर्नमेंट ने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, आपने बिजली के बिल के डर से पंखे, ट्यूब्स और ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल वे में इस्तेमाल करनी शुरू की, एफिशिएंट वे में। आपने बड़े बड़े 100 वाट के बल्ब रिप्लेस किए ट्यूबलाइट से, ट्यूबलाइट्स को रिप्लेस किया सीएफएल्स, सीएफएल्स को रिप्लेस किया एलईडी से। ये क्या थी? गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। आज आप जब भी एसी खरीदते हैं, आप क्या देखते हैं? 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 5 स्टार रेटिंग इज बेस्ट रेटिंग। कुल मिलाकर के आपकी हर रोज की शुरू से शाम तक की गतिविधियां गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर हम डे टू नाइट, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एक ऑर्गेनाइजेशन से इतनी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हम कैसे उससे बेस्ट वे में इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं? और क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए? हम उसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना करें, वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। दो वे में लाइफ चलती है। एक इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट, जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाती है, जिन्हें आप फॉलो करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव होंगे तो कंट्री सेफ, सिक्योर एंड कंस्ट्रक्टिव होगी। ये डिस्ट्रक्टिव होंगे तो कंट्री डिग्रेड कर जाएगी, डिटेरियरेट हो जाएगी और डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो आपको दो चीजें नजर आई, गुड गवर्नमेंट, बैड गवर्नमेंट। जिसने अच्छी गवर्नेंस दी वो गुड गवर्नमेंट, जिसने बैड गवर्नेंस दी वो बैड गवर्नमेंट। कैसे डिसाइड कर पाए आप ये गुड और बैड? अभी बता देता हूं। सेकंड एस्पेक्ट, एक आप लोग हैं, आप ह्यूमन हैं, तो आपकी बहुत सारी इंटरेस्ट, डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उन्हें ऑर्गेनाइज करा सकते हैं और गवर्नमेंट से वो चीजें तैयार करवा सकते हैं, अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज कर लें। आपको एसोसिएशंस, मूवमेंट्स, यूनियंस बना करके अगर आप गवर्नमेंट पे प्रेशर एग्जर्ट करें, तो गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है कि हमें ये काम करना है। दोनों स्टेक होल्डर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं इस सोसाइटी को बेटर वे में रेगुलेट करने के लिए, नर्चर करने के लिए। एवरीथिंग इज अ पॉलिटिक्स। सुबह से शाम, शुरुआत से एंड तक सब पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। किस तरह से सिस्टम प्रोसीड करता है,
आपकी जो लाइफ रहती है ना, आप जब सुबह से शाम चलते हैं, आप बहुत इग्नोरेंट वे में चलते हैं। आप लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रीडम, सिटीजनशिप, इन नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन कॉन्सेप्ट्स की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? आप तभी इन चीज़ों को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं जब ये आपको नहीं मिल रही होती। उस दिन आप रियलाइज करते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे बात करते हैं इक्वेलिटी की, व्हाट इज एक्चुअली इक्वेलिटी। अगर आप सभी लोग रेलवे काउंटर पर टिकट लेने के लिए खड़े हैं, एक भी बंदा जंप करके आगे आए, उस दिन आपको फील होता है व्हाट इज इक्वेलिटी। आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप उसे पकड़ते हैं, हे जंप कैसे कर रहे हो तुम, पीछे आगे लाइन में लगो, सारे बराबर है। क्यों? बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्ट इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, नो बडी इज प्रिविलेज्ड। आप हर जगह पे ऑब्जर्व करके देख लेना, मंदिर की कतारों में, गुरुद्वारे की लाइनों में, रेलवे स्टेशन पे, एवरीवेयर। उस टाइम पे आपको पता लगता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। अगर उस टाइम पर कोई उन्हें जंप करा के अंदर से टिकट कटाता है, तो आप भी कहते हैं ना, सब बिके हुए, सब सेटिंग की है। ये नहीं, ये हो पाया क्योंकि आपको पता ही नहीं था व्हाट इज इक्वेलिटी। आप अवेयर्ड नहीं थे, बिकॉज आप तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, बिकॉज वो आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इट इज अ बिगेस्ट मिथ, एवरीथिंग इज योर सब्जेक्ट मैटर। बुक यही समझा रही है, बिकॉज ये सेकेंडरी लेवल की बुक्स है। हायर सेकेंडरी तक सब कुछ आपका होता है, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। ये बेसिक एजुकेशन है। सेकेंड आस्पेक्ट, उसी रेलवे काउंटर पे बगल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर बना है, एंड यू आर वेल फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यू आर फीलिंग हैप्पी कि सीनियर सिटीजन कितनी इजीली टिकट कटा पा रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो यहां पर अब आपको इक्वेलिटी नहीं चाहिए, यहां पर आपको अब क्या चाहिए? इक्विटी, कि अल्टीमेटली वो भी बेनिफिट्स ले पाए। तो उसके लिए ये होना भी बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी गुड, ये तो होना ही चाहिए। थर्ड आस्पेक्ट, आपने भी टिकट ले ली, उन्होंने भी टिकट ले ली। सपोज करो आप राशन की दुकान पे गए, आपने भी राशन लिया, वो सीनियर अंकल ने भी अलग से राशन ले लिया। ये है वो वर्ल्ड जो विजुअल है, सामने से दिखता है। इससे नेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सोसाइटी नहीं बनी, अभी ह्यूमैनिटी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, अब आएगी। क्या है उनका जो रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं और बरसात की वजह से पिछले 3 दिन से दिहाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, दुकान ही नहीं आ सकते राशन लेने के लिए? तो क्या इस कंट्री में ये फेयर कंडीशंस हैं? आपको भूख लगी, आप राशन लेने आए, उसको भूख नहीं लगी होगी राशन लेने की, बट वो राशन ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए वो उस समय उस लाइन में ही नहीं है। मतलब इक्वेलिटी इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट फेयरनेस। और जब ये, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इन द यूपीएससी, ये हाउ कैन यू इक्वेट इक्वेलिटी विद द फेयरनेस? फेयरनेस इज एम्बेडेड पार्ट ऑफ इक्वेलिटी। कि आपके मन में ये सवाल आता है कि दिस इक्वेलिटी इज नॉट फेयर, समवन इज सिटिंग आइडल इन देयर इन हिज हाउस और इन हर हाउस, एंड दे आर नॉट केपेबल टू अटेन सच अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन फेच सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम शॉप। इट इज नॉट इक्वेलिटी, दिस इज नॉट सिस्टम। देन यू विल थिंक अबाउट हाउ टू रीवैम्प और रिवाइव द सिस्टम, हाउ टू रीमॉडिफाइड द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज टूवर्ड्स देम। सो नाउ एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि देयर शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ऑलवेज गुड, देयर शुड बी फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट जस्टिस। Now you are not student of political science. Now tell me what is actually justice? What is justice? Just. Okay, I will tell you what is justice. What is न्याय? Suppose कीजिए आपका कोई friend है, he is in very good mental state,
कि इसने आपको कुछ आर्म्स रखने को दिए, टुमारो वो आपके पास आता है, इज वेरी एंग्री, आपसे आर्म्स मांग रहा है। अब हम कौन से जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? सच बोलना, अपनी ड्यूटीज जेन्युइनली परफॉर्म करना। दिस इज नॉट करेक्ट। 5th century BC एथेंस यूरोप ग्रीस में सोक्रेट्स यानी कि सुकरात हुए हैं, उनके शिष्य प्लेटो यानी कि अफलातून। सोक्रेट समझाते हैं कि जस्टिस किसे कहते हैं। उस दिन उसे झूठ बोलकर हथियार ना देना सच है, ना कि उसे हथियार दे देना। सच सच नहीं होता हर बार, और हर झूठ सच नहीं है। तो जस्टिस वही है जो रेलेवेंट है, जो रेलेवेंट नहीं दैट इज नॉट जस्टिस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वेरी करते हैं। सेम क्राइम में किसी को सजा कुछ मिलती है, किसी को सजा कुछ मिलती है। हाई कोर्ट के डिसीजंस वेरी करते हैं। क्यों? पनिशमेंट की रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग पनिशमेंट टू समवन। समझ आई बात? द रेलेवेंस ऑफ पनिशमेंट इज इंपॉर्टेंट। सोक्रेट जब उसे उस दिन हथियार नहीं देता है, वो उसे क्रिमिनल बनने से रोकता है। ये उसका दोस्त होने का धर्म है कि अपने मित्र को कभी गलत करने से ना रोके। सुक्रेत एक प्रश्न करते हैं एक पर्सन से, उसे पूछते हैं। उसके पास कुछ लोग आते हैं, तो आकर के उसे ये कहते हैं कि हथियार हमें दे दिए जाएं और वो हमारे दुश्मन हैं, हम उन्हें मार देंगे। कहते किस लिए? उन्होंने हमारे दोस्तों को परेशान किया। सुकरात पूछते हैं ये न्याय है धर्म है? कहते यही धर्म है, यही जस्टिस है, यही न्याय है। अब सुकरात उन्हें समझाते हैं कि ये धर्म जस्टिस और ये न्याय कैसे हुआ भाई? वो तुम्हारे दुश्मन है इसलिए तुम मार देना चाहते हो, ये तुम्हारा दोस्त है इसके लिए मार देना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फ्रेंड जब तक करेक्ट गुड और रियल ना हो, तब तक उसके फेवर में कुछ नहीं करना। एनिमी जब तक इविल ना हो, तब तक उसकी हत्या नहीं करनी, उसकी जान नहीं जानी चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हारा एनिमी है तुम उसे मार नहीं सकते, और सिर्फ इस वजह से कि ये तुम्हारा दोस्त है तुम इसे बचा नहीं सकते। एनिमी गलत है तो मार सकते हैं, फ्रेंड सही है सिर्फ तभी बचा सकते हैं। अदरवाइज गलत है तो फ्रेंड इस टाइम पर इविल है, और अगर सही है तो एनिमी इस टाइम पर करेक्ट है। दिस इज जस्टिस। इसने यूरोप को हिला दिया था इस कंसेप्ट ने। व्हाट काइंड ऑफ दिस जस्टिस इज, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे? यहां से कई तरह के सवाल सुकरात ने शुरू किए। आपको मोनार्की चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते। जैसा एक प्रश्न पूछा गया सुकरात की तरफ से कि घोड़े से गलती हुई है, अब तुम क्या करोगे इसे? कहते इसे मारा जाएगा। कहते मारने से इसकी क्वालिटीज में कमियां नहीं आएंगी, घोड़े का नुकसान नहीं हो जाएगा? कहते होगा, तो इसे हम इस वजह से नहीं मारेंगे। कोई भी एनिमल लीजिए आप, जब भी आप उसे पनिश करेंगे मारेंगे, उसकी गुड क्वालिटीज डिटेरियरेट नहीं होंगी। हाउ कैन यू पनिश देन ह्यूमन बींग? क्या उसकी बींग ह्यूमन गुड क्वालिटीज खत्म नहीं हो जाएंगी? So punishment is always a kind of rehabilitation. Its only purpose is to revamp someone, is to revive someone from the impurities. It is actually a dharma. It is actually a justice. That is the concept. So kul mila karke, kya hoti hai politics? पॉलिटिक्स आपको अपनी लाइफ जो कि डेली बेसिस पे शेप अप हो रही है, इसके इर्द गिर्द जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के पीछे की जो हिडन वैल्यूज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स का ये रोल होता है कि सदियों के प्रयासों से जितने भी वर्ड्स जन्मे हैं, उन वर्ड्स के पीछे की जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, उनके डाइवर्सिफाइड वर्जन को समझ के लोगों के सामने एक कंसोलिडेटेड वर्जन रखना कि दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म,
नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अदरवाइज आपको ये वर्डों के मीनिंग किसने बताए? सबसे यूनिक एस्पेक्ट पॉलिटिकल साइंस मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल और स्केयर की जहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन है, यहाँ पे इक्वलिटी की हजारों डेफिनेशंस है, जस्टिस की हजारों डेफिनेशन, फ्रीडम की हजारों डेफिनेशन है। क्यों? कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। पहले कॉन्टेक्स्ट में हम सभी रेलवे लाइन में लगे थे, रेलवे काउंटर पे, वहाँ पे इक्वलिटी से सबका बराबर क्यों मैं खड़ा होना? दूसरे केस में इक्वलिटी बदल गई है, सीनियर सिटीजन्स को प्रिविलेज मिलना चाहिए। तीसरे केस में इक्वलिटी फिर बदल गई है, जो डाउन ट्रोडन है उन्हें फेयर शेयर मिलना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्हें आगे ला करके खड़ा करो, उनके घर तक अनाज पहुंचा करके आओ। किसी भी तरह से इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूटिलाइज किया जाता है, इंडिया में फेयर प्राइस शॉप सिस्टम है, ये भी तो है इक्वलिटी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली इक्वलिटी की बात होती है, क्या आज दिन तक किसी ने इस बात पर आवाज उठाई कि 3 रुपए किलो कनक चावल, 2 रुपए किलो आटा क्यों दिया जाता है? क्योंकि दिस इज फेयर एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस अक्सर किसी आम आदमी के दिमाग में ये घंटा बजा सकते हैं कि जब देश में समानता है तो समानता में ये क्या कुकर्म हो रहा है? 40% जनसंख्या को ये किस दाम पे खाना दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट? ये रिडिकुलस पॉलिसी है। आए दिन आप देख सकते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये बात दावा करते रहते हैं कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है इस तरह की एक्टिविटी में। दिस इज नॉट रिडिकुलस, दिस इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीडम? फ्रीडम, नाउ व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम? फ्रीडम इज अ काइंड ऑफ लिबर्टी फ्रॉम इम्प्रिजन, जेल से छूट जाना इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम। तो 200 साल तक तो हम अंग्रेजों के दौर में किसी जेल में नहीं थे, तो क्या फ्रीडम थी? हमने किसके लिए फाइट की? फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइटर। फिर व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज, वो सब नहीं था अंग्रेजों के समय में। हमें अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करते थे, तो क्या हो गया फिर यार? अगर अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करते थे, आज भी तो आप जिस भी किसी प्राइवेट जॉब में हैं, आप जिस भी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो आपको अपने पर्पस के लिए तो यूटिलाइज करता है। फिर आप आज भी तो फ्रीडम फ्री नहीं है। यस यू आर फ्री बिकॉज द नेचर ऑफ द जॉब इज कंसल्टेटिव, आपसे कंसल्ट किया गया है, आपकी चॉइस से वो जॉब आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के साथ वहां बने हुए हैं। एंड दिस इज अ लेवल ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। आपने उस जॉब के प्रोज कॉन्स, बेनिफिट्स, लॉसेस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स सारे एनालिसिस किए, फिर वह जॉब ली है। नाउ दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम, नाउ दिस इज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, नाउ दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी। यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम्स ऑफ एवरी एक्टिविटी, इट इज एक्चुअली अ पॉलिटिक्स। दिस इज द नीति, द राजनीति, दैट हाउ यू बिहेव इन अ सोसाइटी। नाउ वॉट इज एक्चुअली अ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी? नाउ इंडिया इज अ फ्री, डू यू थिंक देर इज अ फ्रीडम? अगर 1947 में इंडिया फ्रीडम हो गया था, तो फिर आज दिन तक फ्रीडम के लिए इतनी लड़ाइयां क्यों? नाउ देर इज अ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, नाउ देर इज अ फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, नाउ देर इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इफ सम गवर्नमेंट चूजन बाय यू पीपल गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस वेरी मच फ्रीडम, then you will ultimately raise the question, as a free citizen in a free country for the freedom, it is a very big paradox. You are living as a free citizen, you are in a free country, nobody is going to rule you, and you are not under any kind of subjugation, then you are demanding freedom. What is this? Freedom is something beyond the liberty, freedom is totally different. ye kaise hua? With the regular work of political thinkers. Freedom is not something outside the body. Freedom is not a kind of entanglement of your body by some kind of rope or something else. Freedom is a kind of liberation from any kind of boundness. That is actually freedom. When you are free to think, when you are free to write, when you are free to express yourself,
इट इज एक्चुअली फ्रीडम. एंड ऑन दैट पॉइंट ऑफ नोट, देर आर रेकरेंट डिसीजंस बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द फेवर ऑफ फ्रीडम, एंड दैट डिसीजंस कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम. देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, देयर शुड बी राइट टू वॉक. इट इज एक्चुअली फ्रीडम. There should be right to education. This is actually freedom. Because if you are having no access on education, then you are not able to capitalize the opportunities prevalent in the society. Then actually, this is not freedom. Because you are not free to capture the actual benefits, actual fruits given by the equal opportunity of the country. But this is not freedom. So the thing is, there is gradual evolution of concepts. How? Because every day you are contributing in that. Because every day you want to derive something more from the society. But the demand of yours, that interest, that ultimate goal of yours should be relevant to the society also. That is a very important aspect. You cannot exaggerate your demand beyond the capacity of the society. You cannot claim the share that cannot belong to you. That is important. So, kul milakar ke, who will decide the limitations? That how much you can derive from the society? Ye limitations kaun banayega ki tum society se kitna derive kar sakte ho? Ye limitations kaun lagayega ki tum kitna likh sakte ho? कितना क्रिटिसिज्म कर सकते हो, कितना मूवमेंट कर सकते हो, आप लगाएंगे. फॉर दैट यू आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ बर्थ चाइल्ड ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. कैसे? आज की डेट में आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत इजीली उसमें आप वर्ड्स पढ़ लेते हैं. प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन पे चर्चा करते हैं. इट इज अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि ये लिबर्टी, इक्वलिटी, ये फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्यूमेंट के तौर पे बना के डाल दिया. पीछे की बात करते हैं, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो, अगर हम एरिस्टोटल, सुक्रेट, प्लूटो इनके दौर में चले जाएं, ये शब्द बड़े पैमाने पर चर्चा हो चुके थे. लेकिन मॉडर्न साइंस में बात करें, जीन जैक्स रॉसे, रॉसे ने पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रीडम का वर्ड दिया. फ्रीडम, व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम? और रॉसे ने ये उस समय उस माहौल में बात की, तो तब से चला आ रहा रॉसे का ये फ्रीडम कंसेप्ट है, जो इतनी सदियों के इतने सारे कम्युनिटी सोसाइटी से होके गुजरा है और आज वो इतना बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच गेन कर गया है. सेकेंड एस्पेक्ट, कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने बोला कि देर इज अ फ्यूटिल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम यार. फ्रीडम इज टोटली ऑफ नो गेन व्हेन देर इज नो इक्वेलिटी. यू आर गिविंग फ्री हैंड टू द कैपिटलिस्ट. दे आर कैपिटलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेस विदाउट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स. व्हाट अबाउट द वर्कर दैट आर कंटिन्यूसली वर्किंग इन द इंडस्ट्री? What about the peasants who are actually producing food grain of the mainstream population of the country? You are giving all the benefits to the minuscule segment of the society. That is not done. It is actually not a freedom. Freedom is of no use when there is no concept of equality. You should promote that. So question agar aapko aata hai ki always freedom kiske saath attach hoke aayegi? Equality. Tabhi baat banegi. Equality is very, very much important. कहते mind blowing concept. Equality is very important. तो equality का concept जन्म हो गया. Now Gandhi said there is no logic of freedom and equality. Actually, who is free? Actually, what is equality? Who is actually free and what is actually equality? So there is a unique concept of Hind Swaraj. Gandhi ji ek magazine likha karte the, Hind Swaraj. Jaise question aapko aayenge,
उसमें गांधी जी स्वराज की बात करते थे। स्वराज क्या होता है? गांधी जी का स्वराज हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस, हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल अदर रिलीजन, टुवर्ड्स ऑल अदर सेक्शन, ऑल अदर कम्युनिटी इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द एंटेंगलमेंट ऑफ ओल्ड ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स। इट इज अ बेसिक फ्रीडम। यू शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स अप्रोच। यू शुड वेलकम ऑल द डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी इन योर सर्कल। देन अल्टीमेटली जब सभी इस तरह से सोचेंगे, देन दैट वर्ल्ड विल बी द फ्री वर्ल्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट। यूरोपियंस भी हिल गए, कहते मतलब माइंड ब्लोइंग, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम। दैट्स व्हाई रोसे के आने बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद भी 300 साल हो गए, सब मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। फ्रीडम का तो मिस यूज ही कर लिया, पागल हो गए सब तो। बम गोले, हथगोले, पता नहीं क्या क्या चला रहे। दिस इज फ्रीडम। नाउ गांधी जी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी। गांधी जी ऑलवेज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स पर्सनैलिटी। गांधी जी का मानना यह था कि समानता असल में क्या होती है। आपने दो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी तो ये समानता हो गई, इक्वलिटी हो गई। आप बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो यह समानता हुई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को उस एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, उस एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लेकर के, जब भी दो लोग उसे अवेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन दोनों की सोच में भी समानता लानी पड़ेगी। आज आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का प्रोसेस हुआ, आज बड़े पैमाने पर आपने देखा दो बैंक मैनेजर हैं, सेम है, एक गोल्डन कास्ट से है, एक रिजर्व्ड कास्ट से है। सैलरी सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, पोजीशन सेम है, फिर भी कहीं ना कहीं एक इन्फेरियरिटी का कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या इक्वलिटी आई? सोच में समानता आ ही नहीं पाई। क्यों? जहां से वो कम्युनिटी निकल के आ रही है, हमने उस सोशल लेवल पर तो इक्वलिटी प्रमोट ही नहीं की। कम्युनिटी लेवल पर हमने तो इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट कर दी रिजर्वेशन दे करके। जिस स्टॉक से वो बंदा निकल करके आ रहा है, जब तक वो स्टॉक इंप्रूव्ड नहीं होगा, वो अकेला कहां से लड़ लेगा जाकर के सबसे। तो गांधी जी के इस इक्वलिटी कंसेप्ट ने भी रेवोल्यूशनाइज किया दुनिया को, कि मतलब इस तरह से सुधार करना होगा। ये है एक्चुअल सिस्टम। ऐसे में बी आर अंबेडकर आए। अंबेडकर कहते कि दिस इज गुड, बट दिस इज गुड एट स्पिरिचुअल लेवल। राइट नाउ वी नीड फूड, वी नीड लाइवलीहुड, वी नीड एजुकेशन, एंड वी आर नॉट कॉम्पिटेड इनफ to get that from the society by competing with the so-called advanced section of the society. So ultimately we need it and we have to nail it. For that, constitution should provide some kind of provisions, some kind of enabling platform which can make the societies competitive to get the actual benefit from the development and from the growth. Ultimately uski wajah se reservations hue, और रिजर्वेशन के प्रोसेस की वजह से आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा सेगमेंट एक न एक लेवल पर सुधरा। तो क्या ये इक्वेलिटी को हार्म करता है? एक्चुअली मैं रिजर्वेशन दिया है तो मैंने इक्वेलिटी, अगर रिजर्वेशन नहीं देते तो देर इज नो इक्वेलिटी एट ऑल। फिर हम इक्वेलिटी कह के इन इक्वेलिटी को प्रमोट कर जाते हैं। आज आप कंट्री लेवल पर देखिए, टॉप के इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं जो 95-98% वालों के एडमिशन देते हैं, और वो ऑलवेज टॉप ही रहेंगे। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम सेक्शन ऑफ द कंट्री जिसके वो परसेंट नहीं आया, वो कभी उस इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन कंसंट्रेट कर रहे हैं एक सेगमेंट में, एक कॉलेज में, एक इंस्टीट्यूट में। क्या इस तरह से आप कंट्री ग्रो करेंगे? नेवर। दैट इज नॉट द सिस्टम। फॉर दैट you need to adjust the downtrodden section in the mainstream education, social, economic and political arena. uske liye aapko kuch bypass aur internal routes banane hi padenge, tabhi vikas sambhav hai. kul mila kar ke sadiyan badli, log badle, thinkers badle, words aur words ke concepts bhi badle,
और फाइनली आज एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये सारे वर्ड्स एनश्राइंड हैं और जिसके वर्ड्स के मीनिंग हर रोज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से बदलते ही चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के यहां से क्या पता लगा, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डायनेमिक फील्ड एंड कौन इसे डायनेमिक बना सकता है, हु आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द पॉलिटिक्स, कौन यूटिलाइज कर रहा है, सिटीजन्स, और सिटीजन्स आप हैं। तो वो कितनी डायनेमिक होगी और कितनी नहीं डायनेमिक होगी ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी एफिशिएंसी पे, आप कितने एफिशिएंट हैं वर्किंग में ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रोफेशनलिज्म पे, और आप प्रोफेशनल कितने हैं ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, और स्किल आपके क्या पास कितनी है ये डिपेंड करेगा आपकी लर्निंग पे, और लर्निंग आपको कितनी है ये पता लग जाएगा जब आपसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट। तो कुल मिलाकर के इफ यू वांट टू मेक अ बेटर वर्ल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिक्स, व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिक्स कैन डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। रोकते हैं, फिर दो मिनट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आस्पेक्ट पे अब डिस्कस करते हैं। मैंने वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंग्स और अदर सारे आस्पेक्ट्स आपको क्लियर किए। अब हम एक बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर हम इन पॉलिटिकल थ्योरीज और इन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, इससे क्या चेंज आता है, सिचुएशन में क्या चेंज आता है, बस इतना ही हमें समझना है, हमें पर्पस समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और किसी भी लाइफ प्रोसेस का जो बेसिस होता है वो इकोनॉमिक आस्पेक्ट होता है। हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए जाते हैं। अगर आप यूरोपियन वर्ल्ड को देखें, मोस्टली कैपिटलिस्ट हैं। अगर आप रशिया, चाइना, मोस्टली रशियन एंड सॉरी मोस्टली सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट हैं। अगर आप इंडिया की बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ